तो वहाँ कहीं भी जाएं तो वे ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्क के लोगों को उर्दू नहीं आती। पर जैसे वो ऐसे वेस्टर्न घुमा के वो करते हैं। कितनी मेरी भारी हो रही है और बड़ी तबीयत ना अजीब सी हो रही है। और यहाँ पे करना है कुछ नई बातों नई चीजों के साथ मैं हो गई हूँ हाजिर। तो गाइज एक नए दिन का आगाज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज बच्चे गए हुए हैं स्कूल, और अभी मैं उठी थी, पहले बच्चों को भेजा स्कूल, सलमान साहब को भेजा, फिर मैं थोड़ा सा नैप लिया मैंने, और अभी मैं उठी थी, मैं लगी थी करने ब्रेकफास्ट। तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं व्लॉग जल्दी स्टार्ट किया करूँगी, तो आज मैंने ना व्लॉग बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया है। और मेरी हेल्प आई हैं, अभी आपको बर्तनों की आवाज़ आ रही होगी किचन में, वो वॉश कर रही हैं। और मैं अपना ब्रेकफास्ट ज़बरदस्त बना के लाई हूँ, मैं कब करती हूँ साथ में आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले, हाँ, और आज ना काफ़ी सारे काम भी हैं घर के करने। एक तो ये मक्खियों ने मैं खा लिया, इनका भी आज मैंने इलाज करना है, ठीक है। तो आज बहुत सारे काम है करने वाले, तो वो भी सब कुछ आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये सब कुछ देखने से पहले आपने करना क्या है आपको पता है, हमारे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना आपने कभी नहीं भूलना है, ठीक है, कभी नहीं भूलना है। और गाइस हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मासी ने बर्तन खड़काने से नहीं हटना है, तो हम ना नाश्ता ही कर लेते हैं, बाकी की वीडियो फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ बनाते जाते हैं। सो मज़ेदार सा आपको अपना ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। टन टन इतना यम्मी, सो यम्मी। मैंने ब्राउन ब्रेड गर्म की है, साथ में बनाया है ऑमलेट, साथ में है मेरी चाय। और बाकी जी अभी सारे काम शाम होने वाले हैं, बिस्तर वगैरह सब सेट होने वाले हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखाती होती हूँ कि बिस्तर जो है वो हमारे सेट हो गए हैं और घर नीट हो गया है, सो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो अभी साथ साथ सब कुछ होता जाएगा और आज आपको सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। और पहले मैं जल्दी से ना नाश्ता कर लूँ क्योंकि ये ठंडा हो रहा है। गाइस तो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी चाय पीने वाली है, लेकिन साथ ही मेरी हेल्प दूसरी भी आ गई, तो उनसे मैंने ना कहा कि हम मिल के ये कपड़े तय कर लेते हैं, और अब ये जाएंगे धोबी को, और वो जाके छुप गई है व्लॉग से। सो खैर मैंने उसे कहा मैं व्लॉग में दिखा दूँ कि मेरा पहला काम आज का जो है वो ये है, ठीक है, और दूसरा काम जो था वो मेरा ये था जो कि मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और आपको बताऊंगी इसके बाद थर्ड काम जो है वो मैंने बनाना है खाना। और आज बहुत ज़्यादा बिजी डे गुजरने वाला है हमारा, सो साथ साथ जो भी करते जाते हैं ना गाइस, आज मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, ठीक है। और स्प्रे करना है रूम में, इतनी मक्खियाँ आई हुई हैं ना सोनिया, वो हमने लाजमी करना है, ठीक है। आप सफाई कर लो, फिर स्प्रे करते हैं, दरवाज़ा बंद कर देंगे हुरैन के आने से पहले पहले ना सब मक्खियाँ ख़त्म हो, ठीक है। बल्कि पहले करती हूँ 10 मिनट, ताकि मारते हैं, फिर झाड़ू लगाओगे तो उठा लेना उनको। सो गाइस पहले स्प्रे करते हैं, चलो ठीक है, आप ये बांधो, ओके। लेकिन गाइस ये मैंने निकाल लिया है मोर्टीन किंग टॉक्स, ठीक है, मोर्टीन मुंह पे चढ़ा हुआ किंग टॉक्स है ये वैसे है। और सोनिया कह रही है आपके घर में तो इतनी मक्खियाँ नहीं है जितनी लोगों के घरों में है, हमारा ये डोर खुलता है ना तो इतनी ज़्यादा आ गई उसे, मैं कहा तौबा करो इतनी मक्खियाँ और आप कह रही हो कि नहीं है। खैर मैंने पहले टीवी का बटन बंद करूँ और फिर सोनिया जो है ना ये सब बिस्तर समेटेगी, तो मैं आपको बाद में भी रूम दिखाऊंगी, ठीक है। पहले ये खोल लूँ, मेरे से एक हाथ से खुलना नहीं है, सो इसको ओपन कर लूँ मैं। इसको ओपन कर लिया मैंने, इसको पहले ले जाते हैं वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम में भी हैं मक्खियाँ, सो सबसे पहले वहाँ पर करेंगे हम। सो या ये सब भागेंगे अब बाहर को, सारी मक्खियों ने अब बाहर को भागने, लेकिन मैंने ना बचने नहीं अब देना जितना इन्होंने हमारा जीना आराम किया। खाना नहीं हम खा सकते, पानी नहीं हम पी सकते। खैर लाइट्स ऑफ करती हूँ और ये देखें मच्छर भी मर जाएंगे और सारी मक्खी भी। चलो भागो 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 भागो, इधर भी करते हैं, ठीक है ना, बेड के नीचे भी लाजमी ऐसे। चलो जी काफ़ी हो गया, क्योंकि ना यहाँ पे सोना भी है, इससे ज़्यादा नहीं करना क्योंकि यहाँ पे सब ने सोना है। सोनिया ये 15 मिनट रूम बंद ही रखा है, आप बाहर से करो काम, ठीक है, फिर जब रूम खोल देंगे तो फिर बाहर से कर लेंगे स्प्रे। और स्प्रे भी यकीन करें कुछ नहीं है अंदर, खाली बोतलें दी हुई हैं, दो दफ़ा भी नहीं कर रोता, एक दफ़ा ही करें और ख़त्म। ये भी मैंने किया और अभी ये मैं हिला रही हूँ तो अंदर थोड़ा सा है,
बस ये हालात हो गए मैं। खैर अब मैं हाथ धो लूँ और मिर्चाई ये देखें अभी बेचारी यहाँ पड़ी है, इसको पी लूँ फिर वापस आते हैं। तो आपको दिखाती हूँ रूम सेट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, टन टन ये देखें कितना प्यारा सेट हुआ है। और सुबह क्या हालत थी, लेकिन जो एक चूहा है ना गंद बिखेरता वो घर आ चुका है। सलाम लो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। रात सोती नहीं थी गाइस, दो दिन वीकेंड बना के अब देखे इसका क्या हाल हुआ हुआ है। अब नींद आ रही, भूख भी लगी हुई है, बस इसे खाना देना है और इसने सो जाना। खाना भी ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाला है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ठीक है, मैं क्या पहले आपको रूम दिखा दूँ जिसका मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जैसे। और गाइस मक्खियाँ मर गई हैं, सारी मक्खियाँ देखें आप, कोई मक्खी है, इतनी मक्खी आ गई थी, तोबा तोबा। तो अब सब का खात्मा हो गया, फिनिश खत्म, फिनिश बाय बाय टाटा कर दिया उनको। सो अब जाते हैं किचन में, आपको दिखाती हूँ किचन में क्या चल रहा है। देखें फ्रैन ने यहाँ पे गाना लगाया हुआ है, फ्रैन को आजकल ना सॉन्ग्स का बड़ा क्रेज हुआ हुआ है। ये देखो ये बैठी हुई है फ्रैन से ना मैंने वॉल्यूम बंद करवाया था। खैर मैं आपको दिखाने लगी थी टीवी लॉन्च भी माशाल्लाह से सारा सेट हो गया है, कपड़े धोबी को भेज दिए थे और यहाँ पे मैं लगी हूँ आप खीरे कट करने। सो ये काटने लगी थी तो मैंने कहा कि पहले ब्लॉग भी साथ साथ बना लेते हैं। और ये देखें कपड़े भी साथ साथ वॉश होते जा रहे हैं और हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन में जी मेरा सालन बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। सालन में है ये देखें चिकन चना और साथ में हम बनाएंगे तड़के वाले चावल। ये तड़का है, अभी इसमें राइस डालने हैं। इस खाना रेडी हो गया था और मैं ले आई हूँ हुरैन का, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ जब तक सारी मोहम्मद आते हैं, फिर उनको देंगे, उनसे भी मिलवाऊँगी। तो ये देखिए मजेदार से राइस साथ में चिकन और चने। फ्रैंक का फेवरेट सॉन्ग, सॉन्ग और फूड भी फेवरेट है। ये देखें जी फ्रैंक का फेवरेट सॉन्ग चल रहा है यहाँ पे, चलो फ्रैंक का आजकल ना यही काम है, कार्टून छोड़े हुए हैं और सॉन्ग्स पे शिफ्ट हुई हुई है। कार्टून लगाओ, चलो चलो आप फूड फिनिश करो ठीक है, जब तक आप और भैया आते हैं। मैं बेटा अपना जल्दी से फूड फिनिश करेगा ठीक है, और तब तक मैं भी सांस लेती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर वो लोग आते हैं ना, फिर उनसे मिलते हैं। गाइस सारे मोहम्मद आ गए हैं तो चलते हैं गेट पे और ओपन करते हैं। और ये देखें कपड़े सारे यहाँ पे फैलाए हुए हैं। कौन? अस्सलामु अलैकुम। क्या हुआ? इतनी लेट हो, इतनी लेट हुआ, मैं फोन ही करने लगी थी। सारी मॉस्किटो घर में ही थी, मैं बेडरूम में कर दिया था ना। और मैं रैन जो भी डराने के लिए हमदा डरी नहीं है, हमदा इतनी वो टफ लुक्स दे रही है भाई। गाइस घर आके हमदा हमें ऐसे ऐसे लुक्स दे रही है, ये तो कोई बात ना हुई ना भाई, हम कब से वेट कर रहे थे और हमदा ही और हैप्पी नहीं है, हमदा को गर्मी लगी हुई है। मम्मा ने ब्राउन राइस इसी किस्मत के साथ इस दुनिया में आया कि ये कभी क्लियर नहीं हो सकता है ना। पोल बजा रहा हूँ, हवा सारी देखो निकल गई। कोई बात नहीं, इसको समेट ही देना है, मौसम ही चेंज हो रहा है। मैंने सोचा था कि अब जो संडे आएगा ना एक दिन आप इंजॉय कर लेना ना, नहा नू लेना, फिर इसकी हवा निकल जाएगी, फिर इसको रख देंगे ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर कर लेंगे यूज। अभी नहा लेना ना एक दो दफा नहा लो ठीक है, इस संडे को इंशाल्लाह। चलो much 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 later जी गाइस, तो रेस्ट करके हम उठ गए हैं और आज मैं बहुत बहुत ज्यादा डल चल रही हूँ, ऐसा लग रहा है ना जैसे ना फीवर होने वाला है, तबीयत थोड़ी फिट नहीं है आज मेरी। और काम शाम कर लिए थे तो उसके बाद मैं सो गई और अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा ना आज फ्रेश होने को। बहुत डल सा दिन है और ऐसे बॉडी में पेन सी हो रही है, इस तरह का दिन है। सो लेकिन व्लॉग तो मैंने बनाना है और आप लोगों को भी दिखाना है कि क्या चल रहा है। तो अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखें जी बच्चे जो है स्टडी कर रहे हैं और रैन अपनी स्टडी इस टाइम चल रहा है। यहाँ पर हमदा को अलग से बिठाया हुआ है और वो सारे में बैठा हुआ है, क्योंकि इनको अगर इकट्ठे बिठा दूँ ना तो गाइज ये पढ़ते नहीं है, झगड़ा करते रहते हैं, इतनी दूर बैठ के भी ये झगड़ा कर लेते हैं। तो साथ बैठ के तो कुछ पूछा ही ना, इसने मेरी बुक छेड़ दी, इसने मेरा पेज पकड़ लिया, इसने मेरी फिंगर
तो आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि ना ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती, तो इन्हें मैंने अलग अलग बिठाया। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है और आँखें इतनी मेरी भारी हो रही हैं और बड़ी तबीयत ना अजीब सी हो रही है। तो कभी कभी इंसान ना हर वक्त आप फ्रेश नहीं रह सकते, हर वक्त आप भागते दौड़ते नहीं रह सकते, कभी आप थकते भी हैं। और बीच में पहले दो तीन दिन पहले भी एक दिन मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, उस दिन तो मैंने व्लॉग भी नहीं ना फिर अपलोड किया, ना व्लॉग बनाया भी नहीं था। सो आज तो खैर मैंने व्लॉग बनाया है। सो बस कभी कभी ना लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप थक जाते हैं, डल हो जाते हैं, क्योंकि रात हम देर से सोए और बच्चों की एक्टिविटीज़ और आज इनका फर्स्ट डे था स्कूल का, सो बस चीज़ें हो जाती हैं चेंज ना। सो खैर अब जो है मैं चाय पीऊँगी और फ्रेश होंगी और फिर से बिंदास होकर व्लॉग जो है वो बनाएंगे ज़बरदस्त सा। बच्चे पढ़ लेने, मैंने कहा फिर हम बाहर निकलते हैं, ज़रा बाहर वॉक करते हैं, फ्रेश एयर लेती हूँ मैं, तो फिर मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊँगी। ये देखें मैंने येलो फ्लावर बनाए हैं, तो बहुत अच्छी बेटी है। बस बस एक लाइन दस लड़के उड़ान, तो आज हमारा गेम भी है, तो वो जो रिंग्स भी होते जैसे वो ऐसे वेस्टर्न घुमा घुमा के वो करते हैं, हमने इतनी ट्राई की हमसे हुई ना। और मुझे एक चीज आती है, वो ऐसे रिंग ना ऐसा हाथ पे रख के ऐसे उसे हल्का सा ऐसे करते हैं, फिर वो इतनी देर बाद घूमता है। चलो हमदाने आज कुछ नहीं सीखा है ना स्कूल में, कुछ नहीं सर कहते मैं आपको वो सिखाऊंगा। चलो अच्छी वेरी गुड। और ये सारी मिस ने कुछ नहीं सीखा, ये कुछ नहीं सीखने जाता स्कूल में हैं। इधर मुंह कर दे रहा, ऊपर मुंह कर, सब लोग डरेंगे अब। देख सारी मैंने फुल जूम किया हुआ है, फुल है, पिछली बार से ज्यादा ही उतना ही की है, पिछली बार से ज्यादा ही। आज तो मैंने हुरैन को जूम करना था, चलो हुरैन आपको करती हूं, हुरैन से प्रॉमिस किया था। हुरैन फुल जूम इतनी ज्यादा, हुरैन की आईज, चलो हुरैन हिलना ना हुरैन, ये देखो रैन का नोज, ये देखो आप भी आ जाओ, ये हमदा की नोज आ गया, हमदा के दांत आ गए, हमदा दिखा रहा है मुझे मेरे वाला, चेहरा ना चेहरा ही नहीं नजर आ रहा, ये देखो ओए। चलो बहुत प्यारी लग रही है, हम मेरे वाला दिखा, ऐसा हल्की फुल्की सी मस्ती की है ताकि ये भी फ्रेश हो जाए, मैं भी फ्रेश हो जाऊं। और अब मैं जाके अपनी चाय शाय बनाती हूं और फिर वॉक करते हैं और फिर आएंगे वापस बाहर आई थी वॉक करने सारी ममदा कर सबसे पहले, और ये देखिए हमारे घर से निकल के जा रही, इसको दिखाने के लिए मैंने व्लॉग ऑन किया क्योंकि गेट ओपन था और कारी साहब से बच्चे पढ़ रहे, और ये अंदर जा रही थी, कल भी हमारे अंदर से घर में ना सारे घूम के आई है और आज भी अंदर जा रही थी। अब मैं इसको भगाती हूँ, और वहाँ खुशबू स्मेल ले रही थी, शुक्र है कोई डस्टबिन नहीं इधर पड़ी होती, वरना इसने तो जाना ही नहीं था बाप वापिस। मैं आई थी बाहर थोड़ी सी फ्रेश एयर में, मैंने कहा मैं वॉक शॉक कर लेती हूँ, तो बच्चे जो है वो कारी साहब से पढ़ रहे आते हैं तो फिर वो भी खेल लेंगे थोड़ा सा। ये देखें कैटो का हॉल, रहन को दिखाऊंगी व्लॉग में। तो थोड़ी सी वॉक शॉक करके फ्रेश होके हम लोग आ गए हैं घर वापस, और मैं भी हो गई हूँ फ्रेश एनर्जेटिक। खैर अब लगे थे खाना खाने, और आपको मैंने कब बताती हूँ कि आज हम देखने लगे हैं जर्द पत्तों का बन ड्रामा, ये भी बहुत ही अच्छा ड्रामा गाइस, हाईली रिकमेंडेड है और बहुत मज़ा आता है देख के इसको। तो खैर मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ खाना। सो ये देखें जी डिनर होने लगा है यहाँ पे, नैनो का खाना, मम्मी का, और ये हमदा बैठी हुई है। हमदा ने कहा मैंने खाना नहीं खाना, तो हमदा ने दूध ले लिया है, और सारी जो है वो उस तरफ को मुँह करके सारी में अपना खाना खा रहा है। सो बस अब खाना छाना चल रहा है, और गाइस मुझे याद आ रहा था कि ना ये लोग तो अब क्वेश्चन ही नहीं पूछते, ये लोग अब जो बच्चा इनमें से अब क्वेश्चन ही ना पूछेगा या अच्छी बात नहीं बताएगा वो व्लॉग में नहीं आएगा। कल से ये पक्का रूल कर देना है, मैंने इनकी व्लॉग में एंट्री बंद, ठीक है, व्लॉग का टाइटल भी यही रख दूंगी बच्चों इनकी व्लॉग में एंट्री बंद। बताओ मैम ना वो पर्सनैलिटी लैंग्वेज डेवलपमेंट क्लास हुई ना, तो मैम ने कहा हम इंग्लिश किस लिए बोलते हैं क्यों बोलते हैं, तो मैम कहती इसके बारे में कोई अच्छी बात बताएं, तो मैंने कहा मैम अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हम दूसरी क्लासेस के लिए एक मॉडल बन जाएंगे और हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, और सब कहेंगे कि
क्लास कितनी अच्छी है, ये सिर्फ इंग्लिश बोल क्लास कितनी अच्छी है इसलिए नहीं इंग्लिश बोलनी सीखनी, इंग्लिश इसलिए बोलनी सीखनी है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो वहाँ कहीं भी जाएं तो वे ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्क के लोगों को उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसा मीडियम है जो सब कंट्रीज में सिखाया जाता है, ताकि एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें, ठीक है अल्दा। और मैम कहती हूँ आप ब्रिटिश इंटरनेशनल में पढ़े ना, जो आपको होना चाहिए ब्रिटिशन जस्ट लाइक इंग्लिश। अच्छा ये तो बताओ आपका चार्ट कैसा लगा, ये बताया ब्लॉग में पहले कैसा लगा मैम? बस मैं लेके गई, मैम कहती इतना कि आपने प्यारा बनाया, ये कलर्स वाला शेड वाला काम आपने बहुत अच्छा किया, मैम कहती मैं आपका ही पेस्ट करूंगी। सच बोल रही हूँ? जरा हमदा की क्लास के बच्चे कमेंट करें, जरा नीचे बताएं कि टीचर ने क्या कहा था, कि हमदा का चार्ट उन्हें कैसा लगा, मुझे पता चले जरा हमदा के गप्पे लगा रही है कि सही से इब्ता आ रही है। खैर गाइस उतनी देर हम खाना खा लें। और ने बनाया ग्रीन कलर का चार्ट, उसने सिर्फ 1 से लेके 100 तक सिंपल काउंटिंग लिख दी, मैम कहती है ये क्या किया, मैंने उसका चार्ट ही नहीं लिया। और ये हमदा का चार्ट ही बनाया जिसकी मुझे इतनी थकावट हुई है। आपको कभी भी जब आप करते हैं ना तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं चाहिए। खामोशी से खाना खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए। जब आप ऐसे मुंह खोल के खाते हैं वो तो एनिमल्स खाते हैं, मुंह खोल के तो एनिमल्स खाते हैं। हाँ बहुत अच्छी थी, अच्छी बात नहीं थी, आपने अपनी तारीफ की थी। मुंह खोल के एनिमल्स खाते हैं, हम मुंह बंद करके खाते हैं, सारे मुंह खोल के खाते हैं, सारे। हाँ तो मुंह खोल के खाते हैं, सारे मुंह खोल के खाते हैं, खोल के खाते हैं, खोल के खाते हैं। हाँ उसका ये मतलब था कि मच मच करके नहीं खाना, डिसेंट वे में खाना है, जब बाइट मुंह में डालनी है तो मुंह बंद करके खाना है। मेरा मतलब था अगर आप खाना खाए ना, वैसे तो आप मुंह ओपन करके ही बाइट डालते हैं, अगर आप खा रहे हो तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही कहा है, ये जो है ना ये हाइट बस। चलो जी आप खाना छाना खा लें गाइस, थोड़ा सा ठंडा हो रहा है पड़ा हुआ। तो खाना छाना हमने खा लिया था, और खाना छाना खाने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, मैंने अपनी चाय बनाई है और ब्रैन का दूध किया है, गरम नहीं किया, जैमिश्री डाला। मुझे क्या हो गया आज, मैं बोलना कुछ चाहती हूँ और मैं बोलती कुछ हूँ। खैर ये ब्रैन के दूध में जैमिश्री डाला है, और अब ना मैं अपनी चाय बनाई थी वो थोड़ी सी ठंडी हो गई थी, दोबारा मैंने ओवन में रखी है, और सारिम ना आ गया, मुझे कह रहा है मेरी ना बेल्ट में सुराख कर दे, तो अब हम चूल्हा चलाएंगे और आपको दिखाते हैं कि इसकी बेल्ट में हम कैसे सुराख करते हैं। ठीक है सारी ले आओ। हाँ जी बना, मैंने ना बेल्ट लगाई है देखो तो ना, ये देखिए बहुत ही है, इससे सारे खत्म हो जाते हैं, ये बहुत आगे पहुंच जाती है। यहाँ पर करना है, चलो ठीक है कर देते हैं, पहले चूल्हा चलाएंगे और ये देखें इससे करेंगे, ये है मेरा हथियार जिससे मैं बेल्ट में करूँगी। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है और आग भी जला ली है, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, आपने इस तरह से चूल्हे पे इसको इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से हीट कर लेना है, हीट करने के बाद हाँ बैठ उधर रखो। गर्मी इतनी गर्मी में देखें गाइस मुझसे ये कौन सा काम करवा रहा है, लेकिन मैंने कहा ये फिर किस तरह से होगा, बाजार जाना पड़ेगा, तो चलो मैं आइए आपको कर देती हूँ। जब तक इस पे आग नहीं लगेगी तब तक, हाँ जब तक इस पे आग नहीं लगेगी ये गर्म नहीं होगा, और थोड़ा रेड रेड सा हो जाएगा। एक ही करना है सारी में, एक ही सुराख करना है, ज्यादा करने दो, तीन दो करने हैं, ये देखो चलो हो गया मेरे ख्याल से सारी में, बस मैंने ज्यादा ना करूंगी, वो देखो मम्मा हो गया उल्टी रखो, उल्टी घुमाओ जल्दी घुमाओ, हाथ पीछे करो, ये मोबाइल पकड़ो, क्या हुआ यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है, दो हो गए, लेदर जल रहा है ना, आज ज्यादा गर्म हो गया है ना, वैसे तो नहीं आती थी है ना मम्मा, ज्यादा गर्म और करो भी हो गया सारा ठंडा, दिखाओ हो गया ठंडा, हो गया गाइस ये देखें क्या जबरदस्त, तीन हो गए, हो गया है बस, अंदर हो रहा है ना, अंदर से धुआं निकल आया, चलो हो गया देखो कितना मैंने ये कर दिया है। ठीक है अब पीछे होगा मुझे चाय लेने दो, गाइस पहले एक दिन किया था ये देखेंगे इतना सही नहीं हुआ था, ये आज ज्यादा गर्म था ना, बहुत बहुत अच्छा हुआ, गर्म नहीं पड़ा। हाँ जी गाइस ये मुझे तंग कर रहे, पीछे दो क्या मसला है, तू ले गई हो क्या, नहीं मिल रहा मुझे,
मुझे नहीं अभी पता, चलो अभी इधर से बाहर निकलो, मैं भी बाहर आ रही हूँ। बहुत हॉट है यहाँ पे, फैन चला देते हैं क्योंकि दूध पड़ा हुआ है। ओहो गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है। खैर अब मैं लगी हूँ चाय पीने, आपको अपनी चाय तो मैंने दिखाई नहीं है, ये है जी मेरी चाय जबरदस्त सी। तो चलिए ठीक है गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।